जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः एक जैसे जल में तरंग उठती है उतना जाया भाई, और इसमें तुम्हारे मन में तरंग उठती रहे और उसी में बह जाते हो, जो बह गया वो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बह गया। सीधे बैठो, थोड़ी सा जो बह गया वो बर्बाद हो गया, जो रुक गया। जिंदगी थोड़ी सी है, करना बहुत है, कैसे करना? अनुलोम विलोम करते करते अब जीवन की बात बता रहे। भीतर से पूर्ण शांत रहना, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना, यह आदर्श जीवन का लक्ष्य। करो अनुलोम विलोम, करो, रुकना नहीं। और बात को घरे से सुनना, इस समय तुम्हारा मन शांत है, बात चलो तड़ातड़ी करो। आदर्श जीवन कैसा होता है? जीवन घोड़ा करना बहुत कुछ है। भीतर से पूर्ण शांत रहना, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना। जो अंतरात्मा परमात्मा की प्रेरणा होती है, भगवान की प्रेरणा, भगवान का ध्यान, भगवान भगवान का सामर्थ्य, भगवान का सब सुख, भगवान का सब कुछ है, सम्मान करके भगवान का यंत्र बन करके काम करना, ये सबसे ऊंची अवस्था है। भगवान के यंत्र बन करके भागवत चेतना से, उच्च चेतना से, दिव्य चेतना से युक्त होकर के जीवन को जीना। योग और अध्यात्म से, ध्यान से शक्तियों को प्राप्त करना और फिर उसको परोपकार में लगाना, इसी को बोलते हैं योग और यज्ञ, इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ और परमार्थ, इसी को बोलते हैं योग और कर्मयोग। एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ को नहीं आने देना। करते रहिए, रुकना नहीं है। अनादिकाल का कर्मात संस्कार वासना हमारे साथ जुड़ी है। पता नहीं कहां से कोई अशुभ आ जाता है, तुरंत उसको हटा देना। करोगे ही मन निराशा को अपने पास फटकने नहीं देना। ईशान देव सवितर दुरितानि परास्त यद् भद्रं तन्ना सर्वं, सबके प्रति मैत्री करुणा मुदिता का भाव, और जो बुरी चीजें हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इसार भाव रहने चाहिए, इससे सदा मन में प्रसन्नता रहेगी। ऐसे ये 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट अनुलोम विलोम करना है। आइए अंतर्मुखी बनते हैं। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक भगवान ही की महिमा को अनुभव करना। ओंकार का जप होगा तो अंदर से एक ज्योति, एक प्रकाश, एक आलोक होगा और पूरा अस्तित्व ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएगा। ध्यान भी प्राणायाम अनुलोम विलोम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जागृत होती है, और भ्रामरी प्राणायाम से एक अंदर एक दिव्य आभा, एक दिव्य भोरा तो कैसे नहीं योग करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रंग अंदर से दिखते हैं और अलग अलग प्रकार की अलौकिक शक्ति अंदर से प्राप्त होती है, तो सारी अंदर से भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायामों से आप खुद अनुभव करेंगे। आइए मुख बंद ओंकार का नाद नासिका से Mm-hmm.
inspiration for me, and an inspiration for me, and an inspiration for the people who are watching me. Yoga, yoga first, fitness first, Brahmari first, Alom Vilom and Kapalbhati. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you very much. ऐसे तीन पांच सात ग्यारह 21 संख्या भी प्रणाम कर सकते हैं दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में।